गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो सेशन क्लास। टुडे टॉपिक इज गर्ल्स कांट प्ले क्रिकेट, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती हैं। आज का टॉपिक है, यह वीडियो स्टैंडर्ड 4 के लिए है, सब्जेक्ट इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी का नाम है गर्ल्स कांट प्ले क्रिकेट, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती। स्टूडेंट्स, स्टडी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने लिया है चैप्टर 7 से, गर्ल्स कांट प्ले क्रिकेट चैप्टर से, इसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है क्रिकेट सेट। स्टूडेंट्स, क्रिकेट प्ले करने के लिए उसकी क्रिकेट सेट की जरूरत पड़ती है, नीड होती है। दैट मींस द थिंग्स वन नीड्स टू प्ले क्रिकेट सच एज बैट, बॉल, बैट्स एंड ग्लोव्स। ये सारे थिंग्स जो क्रिकेट खेलने के लिए जरूरी होता है, नीड्स होता है, इस सारे थिंग्स को मिला करके क्रिकेट सेट कहा जाता है। क्रिकेट सेट का मतलब हो गया कि उसमें बैट, बॉल, बैट्स, ग्लोव्स, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका चीयर योर फेवरेट टीम, अपने फेवरेट टीम के लिए चीयर करना। चीयर का मतलब हो गया क्लैप करना, ताली बजाना। एंड साउंड टू इंक्रेज योर टीम, और अपने टीम के लिए साहस बढ़ाना। दैट मींस cheer your favorite team, okay। Next word है stumps। Stumps means होता है that is wooden sticks with rounded ends that form the wicket। Wicket के ऊपर wooden stick होता है, लकड़ी का stick होता है with rounded, जो rounded shape का होता है, and ends that form the wicket, जो wicket के form में होता है। Wicket में उसको stump को विकेट के फॉर्म में कहा जाता है, विकेट कहा जाता है, ओके। चलिए, यहाँ इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो है सुनील राधा। ये दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों दोस्त हैं, और टू गर्ल्स सुधा एंड प्रीति, और सुधा की माँ प्रीति मदर, ये सभी इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, ओके। स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। The boys thought the girl that girls could not play cricket। लड़के सोचते हैं कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती है, लेकिन इस स्टोरी में गर्ल्स ने प्रूफ कर दिया कि गर्ल्स कैन प्ले क्रिकेट, लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती है, ओके। सुमित वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स टू अराइव एट द प्लेग्राउंड व्हेन दे केम। थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स, दे वर ऑल एक्साइटेड टू सी द क्रिकेट सेट सुमित हैड गॉट फॉर हिज बर्थडे। सुमित को बर्थडे में क्रिकेट सेट मिला, और सुमित प्लेग्राउंड में अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा था। तभी थ्री बॉयज और टू गर्ल्स आते हैं, दे वर ऑल एक्साइटेड टू द क्रिकेट सेट, और सभी फ्रेंड्स क्रिकेट सेट को देखकर के काफी एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, ओके। क्रिकेट सेट कौन लेकर आया था? सुमित लेकर आया था प्लेग्राउंड में, और वो अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा था। तब थ्री बॉयज और टू गर्ल्स केम, ठीक है, थ्री बॉयज और टू गर्ल्स आते हैं। लेट्स मेक टू टीम्स एंड प्ले अ मैच, एंड सुमित आई विल बी द कैप्टन ऑफ वन टीम, राजन यू कैन बी द कैप्टन ऑफ द अदर, यू कैन सेलेक्ट योर टीम एंड आई विल सेलेक्ट माय। चलो हम लोग टीम बना करके क्रिकेट प्ले करते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, सुमित ने कहा, ठीक है। सुमित ने कहा कि मैं एक क्रिकेट टीम बनाता हूँ, और मैं फर्स्ट एक टीम का मैं कैप्टन बन जाता हूँ, और अदर टीम का कैप्टन राजन बन जाएगा। यू कैन सेलेक्ट योर टीम एंड आई विल सेलेक्ट माय, और तुम अपने लिए टीम सेलेक्ट करो और मैं अपने लिए टीम सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सुमित ने यह ऑफर रखा, ठीक है। यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए दो टीम की जरूरत होती है, तो फर्स्ट टीम का कैप्टन बोला कि सुमित मैं फर्स्ट एक टीम का कैप्टन बन जाऊंगा, और अदर टीम का कैप्टन राजन बन जाएगा, उसका फ्रेंड है। यू कैन सेलेक्ट योर टीम एंड आई विल सेलेक्ट माय, दे स्टार्टेड कॉलिंग आउट द नेम अजय विक्की। उसके बाद एक टीम बनाया गया, और सभी फर्स्ट टीम के कैप्टन सुमित थे, और अदर टीम जो था उसके कैप्टन राजन थे। दोनों में अपने फ्रेंड्स का नाम कॉलिंग करना शुरू किया, अजय, विक्की, सभी,
The girls waited for their names to be called out. अब यहाँ पे two girls हैं, ये दोनों girls अपने name का calling करने का wait कर रही थी कि मेरा नाम भी call किया जाएगा. When either of the captains called out their names, Sudha asked, "What about us? Well, girls can play cricket," said Sumit. "You can watch us play," he added kindly. अब दोनों गर्ल्स अपने नेम का कॉलिंग होने का वेट कर रही थी. तभी सुमित ने कहा कि अच्छा, गर्ल्स कैन प्ले क्रिकेट, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती है, सो तुम लोग बैठ करके मैच को मैच होगा उसका वॉच करना, ठीक है. यू कैन वॉच अस प्ले, हम लोग खेलेंगे और तुम लोग वॉच कर सकते हो, ही एडेड काइंडली. यस, यू कैन चीयर योर फेवरेट टीम, से राधा ने कहा तुम अपने फेवरेट टीम के लिए चीयर करो, ठीक है. द गर्ल्स गॉट सो एंग्री दैट दे टर्न्ड एंड वॉक्ड बैक होम, इट्स नॉट फेयर. अब गर्ल्स एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए, दैट दे टर्न्ड एंड वॉक्ड बैक होम, और वे लोग उसी समय प्लेग्राउंड में जाके अपने घर वापस चले गए. इट्स नॉट फेयर, वी आर फ्रेंड्स, वी शुड बी प्लेइंग टुगेदर, क्राइड सुधा. अब सुधा सुधा चिल्लाती हुई बोली गुस्सा में कि हम सभी फ्रेंड्स हैं, इसलिए हम लोगों को एक साथ खेलना चाहिए, बॉयज ने अच्छा नहीं किया है, इट्स नॉट फेयर. सुधा मदर हियर्ड द गर्ल्स टॉकिंग, व्हाट्स द मैटर गर्ल्स, यू लुक अपसेट, शी सेड. अब दोनों गर्ल्स आपस में टॉक कर रही थी, तभी सुधा की मां टॉकिंग को सुन ली और पूछी, व्हाट्स द मैटर गर्ल्स, क्या बात है गर्ल्स, यू लुक अपसेट, तुम लोग बहुत अपसेट दिख रही हो. द गर्ल्स एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड टू देम. गर्ल्स ने इन सारी बातों का एक्सप्लेन की, हम लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है. आई नो व्हाट यू कैन डू, सेड सुधा मदर, मेक योर ओन क्रिकेट टीम एंड चैलेंज द बॉयज टू द मैच. सुधा की मां दोनों गर्ल्स को समझाती है कि कोई बात नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम लोग क्रिकेट खेल सकती हो, इसके लिए तुम लोगों को प्लेइंग टीम बनाना होगा, उसके बाद तुम लोग बॉयज को क्रिकेट खेलने के लिए चैलेंज कर. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में इतना ही. फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग लेकर देखेंगे. ओके okay?